Hello everyone, topic for today's class is fiber to fabric, and in its second part you will get to learn about types of fibers. Types of fibers, there are two types of fiber. First is natural fiber and second is synthetic fiber. Natural fiber, fibers which are obtained from plants or animals, that are called as natural fiber. For example, cotton, jute, wool, silk. These are the example of natural fibers. Jute and cotton is obtained from plants. Wool is obtained from fleece of sheep or goat, and silk is obtained from cocoon of silkworms. Second is synthetic fiber. Fiber is made from chemical substances which are not obtained from plants or animal sources, are called as synthetic fiber. ये जो फाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर, ये केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिस्टर, नायलन, एक्रेलिक, कॉटन. कॉटन इज ग्रोन इन द फील्ड इन रीजन्स विच आर यूजली वार्म एंड हैव ब्लैक सॉइल. कॉटन जो है उन फील्ड में या फिर उन एरियाज में ग्रो होता है जो रीजन्स वार्म या फिर जहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है, उस एरिया में कॉटन ग्रो होता है. इंडिया में कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉमनली कॉल्ड कॉटन बॉल्स. जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, जिसमें से कॉटन निकलता है, उसको कहा जाता है कॉटन बॉल्स. आफ्टर मैच्योरिंग दिस कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन. और जैसे ही बर्स्ट होते हैं, जैसे ही खुलते हैं, ये ओपन होते हैं, तो इनमें से क्या निकलता है, कॉटन निकलता है. इनसाइड दीज देर आर सीड्स विच आर कवर्ड विद कॉटन. और उन कॉटन के अंदर क्या होती है, सीड्स होते हैं. फ्रॉम दिस कॉटन बॉल्स कॉटन इज हैंड पिक्ड. किसी मशीन से नहीं, हैंड पिक मेथड से कॉटन जो है उन कॉटन बॉल से निकाला जाता है. देन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड्स. फिर इस प्रोसेस के थ्रू कॉटन जो है या कॉटन फाइबर जो है वो सेपरेट किया जाता है सीड्स में से. सीड्स अलग कर दी जाती है और कॉटन अलग कर दिया जाता है. कॉटन इज यूजली यूज टू मेक साड़ीज, शर्ट्स, पैंट्स, कैजुअल वियर, बेडशीट्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा. कॉटन से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. आपने यूज़ भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, साड़ीज है, शर्ट्स है, पैंट्स है, कैजुअल वियर्स, बेडशीट्स, कर्टेन्स, ये सारी चीज़ें आपने अपने घर में देखी होगी जो कि कॉटन से बनाई जाती है. देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये है कॉटन प्लांट, और जब कॉटन बॉल्स, जब ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ इस पिक्चर में, यहाँ पे क्या निकला है, कॉटन निकला हुआ है, और कॉटन के अंदर क्या है, सीड्स है. फिर ये कॉटन और सीड्स बाद में अलग अलग किए जाते हैं, और फिर इनसे अलग अलग मटेरियल क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं. जैसे नीचे एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर शर्ट्स है, कॉटन शर्ट्स, कॉटन टी शर्ट्स. जूट, जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. और इंडिया में जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड
आसाम। When the jute plant is at its flowering stage, it is harvested. जब ये फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है तब इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। Then the stem of such harvest plant are immersed in water for a few days so that they rot. फिर जो स्टेम जो हार्वेस्ट किया है उसको क्या कर दिया जाता है, पानी में इमर्स कर दिया जाता है फॉर द फ्यू डेज सो दैट दे रोट। द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेम बाय हैंड। यहां पर भी हैंड का यूज किया जाता है टू सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द स्टेम। दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इंटू यार्न्स बाय स्पिनिंग प्रोसेस एंड देन यूज इन फैब्रिक्स। फिर जो ये फाइबर्स जो हैं इनको यार्न्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय स्पिनिंग प्रोसेस। यार्न्स क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, और स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको आगे वाली क्लास में बताने वाला हूँ। और फिर जब फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद देन यूज्ड इन फैब्रिक, फिर उसको फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है। ये है जूट प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं ये इनको जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो इन स्टेम्स को हार्वेस्ट करके वाटर में इमर्स कर दिया जाता है टू रोट। ये वाले जो पीछे देख रहे हैं आप ये है रॉ जूट, फिर इससे फाइबर तैयार किया जाता है। जैसे फिर उसके बाद उसको फैब्रिक में जो भी मटेरियल बनाना है, जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर ये रोप का एग्जांपल देख सकते हैं, ये जूट से ये बनाया जाता है। वूल। वूल इज द टेक्सटाइल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम शिप एंड अदर एनिमल्स। ज्यादातर जो वूल यूज किया जाता है हम शिप से लेते हैं। आपने वूल जो है बहुत जगह यूज किया होगा और यूज करते भी होंगे। मोस्टली विंटर में वूल का यूज किया जाता है, वूलन क्लोथ्स है हम यूज करते हैं। और भी अलग अलग टाइप के देख सकते हैं आप नीचे वूल हैं, इंक्लूडिंग कैशमियर एंड मोहेयर फ्रॉम गॉट्स, क्यूविट्स फ्रॉम मस्क ऑक्सन, हाइड एंड फर क्लोथिंग फ्रॉम बाइसन, एंगोरा फ्रॉम रैबिट्स एंड अदर टाइप ऑफ वूल फ्रॉम कैमेलिट्स। ये सारे और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वूल के टाइप्स के। शिप्स सियरिंग इज द प्रोसेस बाय विच द वूलन फ्लीस ऑफ अ शिप इज कट ऑफ। शिप शियरिंग क्या होता है? शिप शियरिंग वही प्रोसेस है जो वूल फ्लीस है, वूलन फ्लीस जो है वो शिप से अलग किए जाते हैं, इसी को बोला जाता है शिप शियरिंग। और फिर उससे फाइबर बनाया जाता है और वो फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वुलन फाइबर है, और फिर ये आप देख सकते हैं अलग अलग क्लोज बनाए रखे, ग्लव्स हैं और स्वेटर है, ये सब वूल के बनाए हुए हैं। सिल्क। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर सम फॉर्म्स ऑफ विच कैन बी वूवन इनटू टेक्सटाइल्स। द प्रोटीन फाइबर ऑफ सिल्क इज कंपोज ऑफ मेनली फाइब्रोइन एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन इंसेक्ट लार्वे टू फॉर्म ककून्स। द बेस्ट नोन सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स ऑफ द लार्वे ऑफ द मलबरी सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी रियर्ड इन कैप्टिविटी। सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर यही प्रोसेस है जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर मलबेरी सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से सिल्क बनना और उसका फाइबर बनाना और उससे फिर फैब्रिक बनाना, ये पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा प्रोसेस ही सेरिकल्चर है। ये पूरा प्रोसेस क्या है? सेरिकल्चर, जिसमें सिल्क वॉर्म से फैब्रिक, सिल्क वॉर्म से सिल्क लिया जाता है,
उस पूरे प्रोसेस को सेरी कल्चर कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज सेरी कल्चर। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सेवरल इंसेक्ट्स बट जनरली ओनली द सिल्क ऑफ मोथ कैटरपिलर्स हैज़ बीन यूज फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। अलग अलग इंसेक्ट से सिल्क जो है प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है? सिल्क ऑफ मॉथ किलर कैटरपिलर्स हैज बीन यूज फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वे ऑफ इंसेक्ट अंडर गोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स अंडर गोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। सिल्क जो है मेनली किससे प्रोड्यूस होता है? लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स अंडर गोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एग से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और इस बीच सिल्क का प्रोडक्शन होना, सिल्क वॉर्म ककून का बनना, उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं सिल्क क्लोथ के, यहाँ पर है सिल्क क्लोथ्स है, मटेरियल है, यहाँ सिल्क साड़ीज है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंथेटिक फाइबर की, देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कम होते हैं, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, ईजिली मेंटेन हो जाते हैं, ईजी टू मेंटेन एंड दे आर रेडिली अवेलेबल। एग्जाम्पल दे रखे हैं, नायलॉन है, रेयन, पॉलिस्टर, टेरेलिन। जैसे आप रोप देख सकते हैं, पहले मैं रोप देखा था वो जूट का बना था, और ये जो जो रोप बना हुआ है वो है सिंथेटिक फाइबर का। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।